सेक्शुअल डिसऑर्डर्स की जो समस्या है वो कैसे एजुकेटेड लोग भी अपनी खुद से ख़राब कर देते हैं ये बहुत कॉमनली देखने को मिलता है हमें क्लिनिक्स में अभी मैंने पेशेंट देखे एक यंग यंग कपल शादी को डेढ़ या दो साल हुआ है दोनों के दोनों एजुकेटेड दोनों के दोनों डेली एनसीआर में रहते हैं दोनों इंजीनियर्स हैं अच्छे पैकेजेस हैं अच्छा पेमेंट अच्छा कमाते हैं और वेल टू डू है अरेंज मैरिज हुई है अरेंज मैरिज हुई है आ, शादी के इमिडिएटली बाद स्टार्टिंग में कुछ टाइम तक चीज़ें ठीक रही उसके बाद हस्बैंड को इरेक्शन के इशूज़ आने शुरू हो गए उनको सेक्शुअल एक्टिविटी के दौरान हार्डनेस नहीं आ रही थी इरेक्शन ठीक से नहीं आ रहा था अब होता क्या है कि स्पेशली अरेंज मैरिज़ में जहाँ पे स्टार्टिंग में आप उतना खुले नहीं हैं अपने पार्टनर से सेक्सुअल प्रॉब्लम अगर मेल्स को आती है तो वो बहुत एम्बरेस फील करते हैं और बहुत ज़्यादा शर्म आती है उनको और बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि एक बार भी कोई दिक्कत ना हो जाए अब हम लोग ये बोलते हैं कि भाई आपके शरीर के बाकी सभी अंगों की तरह आपका जो सेक्सुअल ऑर्गन है उसमें भी कभी कभी प्रॉब्लम हो सकती है जैसे कभी कभी एक नॉर्मल इंसान को भी हेड हो सकता है पेट दर्द हो सकता है वैसे ही कभी कभी एक नॉर्मल इंसान को भी इरेक्शन का इशू आ सकता है लेकिन मेल्स जो हैं हमारी जो मेल्स की मैंटेलिटी है वो है कि सेक्सुअल प्रॉब्लम मतलब इंसल्ट हो गई बेजती हो गई वाइफ के सामने तो बहुत बेजती होगी अच्छा बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है मैंने प्रैक्टिस में कई बार यंग लोगों को छोड़िए मैं चालीस पैंतालीस पचास सालों के लोगों को जब देखता हूँ जिनकी शादी कोई बीस बीस साल पच्चीस पच्चीस साल हो चुके हैं वो आके बोलते हैं कि डॉक्टर साहब वाइफ के सामने बहुत इंसल्ट हो रही है मतलब पच्चीस साल जिस व्यक्ति के साथ आप रह लिए उसके सामने भी आपको अभी इंसल्टी महसूस हो रही है उससे भी आप खुल के बात नहीं कर पा रहे हैं ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग फिनोमिना है लेकिन वापस आते हैं केस पे तो अब इनको लगा कि इंसर्ट हो रही है इन्होंने जाके केमिस्ट से ली वियाग्रा या मैनफोर्स जो भी गोली मिली इनको उन्होंने खा लिया एक दो बार खा लिया और उस टाइम इेक्शन ठीक हो गया इंटरकोर्स भी हो गया अब देखिए जब आप बाजार से लेके कर केमिस्ट से लेके मेडिकल शॉप से लेके दवाई खा लेते हैं तो प्रॉब्लम क्या आती है आपको इंप्रूवमेंट मिल जाती है इेक्शन ठीक ठाक हो जाता है सब कुछ ठीक हो जाता है बट अब आपके सामने एक सवाल आता है कि नेक्स्ट टाइम मेडिसिन ली जाए या ना ली जाए अगर मेडिसिन आप लेते हैं तो आपके मन में टेंशन आती है कि मैं आप दवाई खा के काम सब कुछ चल रहा है और आप मेडिसिन नहीं लेते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आता कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा तो इनके केस में भी यही हुआ इन्होंने मेडिसिन तो ली बट अब इनको क्लियर नहीं है कि बिना मेडिसिन कुछ हो पाएगा नहीं हो पाएगा ऐसे केसेस में अक्सर लोग करते क्या हैं लोग थोड़ा सा अवॉइडेंस शुरू कर देते हैं कि ये चीज़ करो ही मत यंग मैरिज यंग कपल है मैरिज अभी हुई है हस्बैंड ने सेक्सुअल एक्टिविटी को अवॉइड करना शुरू कर दिया वाइफ़ क्या करेगी हमारे देश में फ़ीमेल्स बहुत ज़्यादा ओपनली सेक्शुअलिटी के बारे में बात नहीं करती हैं चुप भी नहीं रहती हैं बट बहुत ज़्यादा बात नहीं करती हैं वाइफ ने पहले कुछ नहीं बोला वाइफ ने फिर बाद में एक बार प्यार से डिस्कस करने की कोशिश की कुछ हुआ कि नहीं हुआ बट हस्बैंड ने बोल दिया कि नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ मैं बहुत बिज़ी हूँ अच्छा ये बहुत इंटरेस्टिंग है लोग कहते हैं कि वो बहुत बिजी हैं वो लाइफ में काम में इतना बिज़ी हैं और चीज़ों में इतना बिज़ी हैं कि उनके पास सेक्स करने के लिए टाइम नहीं है अब आप, आप एक यंग इंसान हैं आप क्या करेंगे अपना इतना काम करके अगर आपकी मैरिड लाइफ ही ख़राब हो जा रही है मैरिट लाइफ ही ख़राब हो जा रही है बट हस्बैंड ने ये किया कि बोलना शुरू कर दिया कि बहुत बिजी हैं और दिमाग में बहुत चीज़ें चल रही हैं और वो सही भी है बिजी भी हैं लेकिन वो बिज़ी होना आमतौर पर अपने आप से एक बहाना होता है चीज़ों को अवॉइड करने का उन्होंने चीज़ों को और अवॉइड किया और अवॉइडेंस से क्या होता है कि आपकी एंग्जाइटी और इंक्रीज़ होने लगती है जितना ज़्यादा आप सेक्सुअल एक्टिविटी को अवॉइड करेंगे उतना ज़्यादा आपका जो कॉन्फिडेंस है वो और कम होगा द सेम थिंग हैपन विद दिस द कपल तीन महीने छः महीने आठ महीने बीत गए और सेक्शुअल एक्टिविटी को अवॉइड कर रहे हैं कभी कभी वाइग्रा ले लिया और इंटरकोर्स कर लिया एक साल के बाद हमारे देश में कहानी क्या आती है अब अब घर वालों को बच्चा चाहिए सेम इनके साथ भी हुआ इनके पेरेंट्स ने बोला कि एक साल हो गया शादी को सवा साल हो गया आप लोगों का कुछ प्लान नहीं है इन्होंने पहले तो मना कर दिया कि नहीं अभी देखेंगे फिर वही डेढ़ साल दो साल जब हो जाता है प्रेशर बढ़ने लगता है तो अब ये लोग आते हैं डॉक्टर्स के पास कि अच्छा अभी भी इसलिए नहीं आते हैं कि सेक्शुअल लाइफ को ठीक करना है अभी भी इसलिए आते हैं कि अब किट चाहिए बच्चा चाहिए अब कैसे क्या किया जाए और प्रॉब्लम क्या है कि दो साल बीतते बीतते आपका जो पार्टनर है वो भी आपके साथ नाराज हो आप पर नाराज़ हो चुके होते हैं उनका भी एक फ्रस्ट्रेशन बढ़ चुका होता है कि एक नॉर्मल लाइफ क्यों नहीं है और उनको इस बात का भी नाराज़गी होती है कि आप हेल्प लेने को तैयार क्यों नहीं हो बहुत सारी जो वाइफ्स हैं वो आके बोलती हैं कि सर इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कि इनको इशू हुआ इशू तो किसी को भी हो सकता है पर इस बात से दिक्कत है कि इन्होंने हेल्प लेने से मना कर दिया इन्होंने अपनी ईगो बोल दीजिए एरोगेंस बोल दीजिए एम्बरसमेंट बोल दीजिए कुछ भी नाम दे दीजिए उसको उसे चक्कर में हेल्प लेने से मना कर दिया और ये बात एकदम सही है समस्या होना आपके साथ आपके हाथ में नहीं है बट समस्या का समाधान ना ढूंढना प्रॉब्लम का सोल्यूशन सीख ना करना ये तो आप ही की गलती है और एग्जैक्टली exactly वही चीज़ हुआ अब देखिए एज अ मेडिकल प्रोफेशनल दिक्कत क्या है अब दो साल बाद एक कपल जो कि अब थोड़ा सा एनिमोसिटी रखता है एक दूसरे के प्रति थोड़ा नाराजगी रखता है वो आता है हस्बैंड को नाराजगी है कि उसको डॉक्टर के पास लाके बिठा दिया गया है वाइफ़ को नाराज़गी ये है कि एक मेजर चीज़ लाइफ की मिसिंग है और इनको फ़र्क नहीं पड़ता अब आप इंसान हैं आपको ऐसे तो जानवर तो है नहीं कि बिना किसी फीलिंग्स के बिना किसी इमोशंस के आप सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लेंगे तो पहला स्टेप ये आता है कि आपको हम दवाई दें भी तो भी दवाई काम करने के लिए आपके मन में, में डिज़ायर होना चाहिए अगर जिस व्यक्ति के लिए आपको नाराज़गी की फीलिंग है जिसलिए डिजायर ही नहीं आ रहा उसमें दवाई भी काम नहीं करती है और सेकेंड चीज़ ये है कि एक समय के बाद अगर प्रॉब्लम लंबी खिंच जाए तो एवरी टाइम आप जब सेक्शुअल एक्टिविटी अटैम्प्ट करते हैं तो आपको फील होता है कि जैसे कि आपका इम्तिहान हो रहा है आपको फील होता है कि आपका इम्तिहान हो रहा है और आप एंक्शस होते हैं और अगर आपके मन में ये फीलिंग है कि आपको टेस्ट किया जा रहा है या फिर आप टेस्ट दे रहे हैं तो एंगजाइटी के स्टेट में तो रिएक्शन वैसे ही नहीं आता तो यहाँ पर यह चीज़ें और कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं साइकोलॉजिकल चीज़ें इतनी ज़्यादा जुड़ जाती इन चीज़ों में कि सोल्यूशन जो है और प्रॉब्लमेटिक हो जाता है इसमें कई बार एक और चीज़ देखिए ये है है। एक और उसमें एंगल आ जाता है कि लोग पार्टनर्ड सेक्सुअल एक्टिविटी की जगह मास्टरबेशन में चले जाते हैं जहाँ मास्टेशन को प्रेफरेंस देना शुरू कर देते हैं आसान है ना सेक्सुअल सेक्शुअल रिलीज जो चाहिए आपको मास्टरबेशन में भी मिल गया और आपको कोई सामने दूसरा व्यक्ति है भी नहीं जो कि आपको टेस्ट कर रहा है या फिर इसके सामने आपको एम्बरेसमेंट हो रही है बट अब प्रॉब्लम क्या है आपका जो भी सेक्सुअल ड्राइव था वो सब मास्टरबेशन में जा रहा है आप पार्टनर से और दूर होते चले जा रहे हैं तो देखिए सेक्शुअल समस्याएं यूजअली बड़ी सिंपल सी चीज़ें होती हैं मैक्सिमम लोगों को तो कोई बीमारी होती ही नहीं है थोड़ी बहुत एंगजाइटी हो रही होती है थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस कम होता है थोड़ा बहुत दवाई का सपोर्ट दे दो कुछ टाइम बाद मेडिसिन बंद कर दो चीज़ें ठीक हो जाती हैं बट ये सारी जो कॉम्प्लिकेशनस बीच में हम लोग ले आते हैं ये आपकी सेक्शुअल लाइफ को खराब करती है और सेक्शुअल लाइफ को ही नहीं मेराटल लाइफ को भी खराब करती है तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जहां पे आपको प्रॉब्लम दिखे वहां पे आप एक प्रॉपर मेडिकल प्रोफेशनल से हेल्प लें प्रॉपर टेस्ट कराएँ अपने बहुत सिंपल से टेस्ट होते हैं सिंपल सी हिस्ट्री होती है सिंपल सी दवाइयाँ होती हैं वो सब करने की जगह आप जब चले आते हैं बाबा और कौन कौन से दवा खाना और यहाँ वहाँ पढ़े पढ़े लिख पढ़े लिखे लोग भी है ना बहुत रेयरली होता है कि कोई पेशेंट डायरेक्टली हमारे पास आए सब आके बोलते हैं कि उसके पास गए थे उसके पास गए थे वो चूरण खा लिया वो कैप्सूल खा ली मैं मुझे कई बार बड़ी हैरानी होती है कि पढ़े लिखे लोग ऐसे कैप्सूल डब्बी में कैसे खा सकते हैं जिस डब्बी के ऊपर कुछ लिखा नहीं है जिस जिस झोला छाप डॉक्टर ने आपको अपना साइन करके कागज तक नहीं दिया आप उसकी दवाई कैसे खा सकते हो और आप पढ़े लिखे हो आप ऐसा कैसे कर सकते हो बट आई थिंक इतनी इंफॉर्मेशन ही नहीं है लोग इन ट्रैप्स में फंस जाते हैं बट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सेक्शुअल प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट वैसे ही होता है जैसे किसी और मेडिकल प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट होता है एक प्रॉपर डॉक्टर से मिलिए एक साइकेट्रिस्ट से मिलिए या फिर एक यूरोलॉजिस्ट से मिलिए अपने टेस्ट कराइए हिस्ट्री दीजिए ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए अपने पार्टनर के साथ ओपन रहिए मैक्सिमम जो फीमेल्स हैं जो आपके फीमेल पार्टनर्स हैं दे वुड बी सपोर्टिव टूवर्ड्स यू आपको सपोर्ट करेंगी अगर आप उनके साथ सच्चाई से बात करेंगे प्रॉब्लम है ना हो गई किसी को भी हो सकती है पचास परसेंट लोगों को कभी ना कभी होती है तो इसमें इसमें से क्या बड़ी बात हो गई बट अगर आप अपने पार्टनर से बताएंगे नहीं अवॉइड करेंगे नाराज़ होंगे अगर वो बात करेंगी तो फिर शायद गलती कहीं आपकी भी है तो दोस्तों ये मीसॉस का प्लेटफॉर्म हमने क्रिएट इसीलिए किया था कि सेक्शुअल हेल्थ के बारे में ज़्यादा इन्फॉमेशन भी स्प्रेड करें प्रोफेशनल डॉक्टर्स को ला पाएँ और वही अभी भी हमारी कोशिश है मैं अब उतना एक्टिव नहीं रह पाता हूँ मिस्स पे बाकी कामों की वजह से बट ज़रा अदर डॉक्टर्स जो हेल्प करने के लिए अवेलेबल हैं आपको अगर कभी कोई सेक्सुअल इश्यूज़ लग रहे हैं उसको फेस करें तो आप प्लीज़ हेल्प लीजिए हमारे प्लेटफॉर्म से हेल्प लीजिए वरना किसी से भी हेल्प लीजिए आप अपना इलाज कराइए कहाँ से इलाज कराए उतना पढ़ने बट इलाज तो कराइए ऑल थैंक यू टेक केयर